नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई तोमर टेक्नो में। तो फाइनली जो आपके लिए एनएमडीसी की तरफ से जो रिक्वायरमेंट आया था डोनी मलाई कॉम्प्लेक्स की तरफ से, 170 पदों के लिए इसका फॉर्म फिल करने का लिंक एक्टिवेट कर दिया है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और एनएमडीसी टाइप कर लेना है। एनएमडीसी टाइप कर लेने के बाद आपको एनएमडीसी के कैरियर सेक्शन में जाना है। कैरियर सेक्शन में क्लिक कर लेने के बाद देन आपको नीचे की ओर स्क्रॉल कर लेना है। नीचे की ओर स्क्रॉल कर लेने के बाद जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है 4 फरवरी 2022 जिस डेट को यह एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन आया था, तो आपको यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि इसका लास्ट डेट 2 मार्च 2022 को रखा गया है, तो आपको सिंपली गाइज प्रेस कैंडिडेट पर क्लिक कर देना है। प्रेस कैंडिडेट पर क्लिक कर देने के बाद आपको अपना नाम फिल कर देना है एज पर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देन। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपको अपना अप्लाइंग पोस्ट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो या जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो। उसके बाद आपको अपना जीमेल एड्रेस फिल कर देना है। जीमेल एड्रेस फिल कर देने के बाद आपको अपना पासवर्ड फिल कर देना है, जो कि मिनिमम 4 डिजिट का होगा। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। देन उसके बाद आपको यस पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। सबमिट कर देने के बाद आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाओगे, जिसके बाद आपको ऑलरेडी लॉगिन क्रेडिट पर क्लिक कर देना है। ऑलरेडी लॉगिन क्रेडिट पर क्लिक कर देने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी फिल कर देना है। अब पोस्ट अप्लाइंग फॉर सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको अपना पासवर्ड फिल कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट कर देने के बाद जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है फिल एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपको अपना पर्सनल डिटेल फिल करनी है। पर्सनल डिटेल पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर सारा कुछ आपको अपना पर्सनल डिटेल फिल कर देना है, जैसे आपका एड्रेस हो गया, आपका विलेज, आपकी लोकेलिटी, एरिया, तहसील, टाउन या सिटी, अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड को सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपको अपना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है, कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। यदि आप एक्स सर्विस मैन हो तो यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। यदि आप एनएमडीसी में एम्प्लॉय हो तो यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। यदि आप स्पोर्ट पर्सन से बिलोंग करते हो तो यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। सारा कुछ फिल कर देने के बाद आपको सेव कर देना है। सेव कर देने के बाद आपको बैक कर लेना है। उसके बाद आपको अपना क्वालिफिकेशन डिटेल फिल कर देनी है। क्वालिफिकेशन डिटेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट क्वालिफिकेशन कर देना है। सेलेक्ट क्वालिफिकेशन करने के बाद 10th मेट्रिकुलेशन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ऐड क्वालिफिकेशन कर देना है। ऐड क्वालिफिकेशन कर देने के बाद आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिग्री नेम जो कि 10th आएगा, उसके बाद आपको 10th में जो आपके पास सब्जेक्ट थे उनको फिल कर देना है। आपका कोर्स कितने ईयर का था, कितने महीने का था, वो सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपको पासिंग मंथ और पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना यूनिवर्सिटी या बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना ऑप्टन मार्क और मैक्सिमम मार्क फिल कर देने हैं। देन उसके बाद आपको अपना डिलीवरी मोड सेलेक्ट कर लेना है, जो कि फुल टाइम रहता है। सारा कुछ फिल कर लेने के बाद आपको सेव क्वालिफिकेशन कर देना है।
सेव कर देने के बाद आपको प्रोसेस टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपको प्रोसेस टू अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, जिसके आपको अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं, देन उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर देने के बाद आपको अपना 10th स्टैंडर्ड मार्क्स कार्ड अपलोड कर देना है, जो कि ओनली 1 PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, ना कि JPG में। यहाँ पर आपको ITR मार्क्स कार्ड सेट करना है, ITR सर्टिफिकेट सेट सेलेक्ट करना है, अपलोड करना है, देन आपको कार्ड सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आप सेव सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। आपको सभी सभी डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में अपलोड कर देने हैं, जो कि 300 KB के होने चाहिए, 300 KB से अबव नहीं होने चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो गए हैं। आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। प्रोसेस टू प्रीव्यू एप्लीकेशन कर देने के बाद आपको अपना डिटेल चेक कर लेनी है। डिटेल चेक कर लेने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर यस कर देना है। यस कर देने के बाद देन आपको सबमिट कर देना है। सबमिट कर देने के बाद आपको प्रिंट ले लेना है। जैसा कि गाइस, फाइनली आपका जो MDC का फॉर्म था वो पूरी तरह से फिल हो चुका है। देन उसके बाद आपको अपना जो प्रिंट है उसको सेव कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।